सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों या एग्री कमोडिटीज में क्या रुख देखने मिलेगा। शुरुआत ग्वार गम से करते हैं। ग्वार गम में हमने देखा कि जो करेक्शन थी वो पिछले हफ्ते थोड़ी और गहराई, और हमने जो अप्रैल वायदा है उसे 10,700 तक जाते हुए देखा, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज था वहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग थी वो देखी गई और 11,100 के ऊपर की क्लोजिंग देखी गई, और इस प्रकार एक निचले स्तरों से बाइंग का मोमेंटम हमें दिखाई दिया या निवेश मांग निचले स्तरों से दिखाई दी। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी करेक्शन हुई थी 12,200 से लगभग 10,700 तक, वो कहीं ना कहीं थमी है या थमने की पॉसिबिलिटी है, और हम ऊपरी स्तरों के आसपास प्राइसेस को दोबारा देख सकते हैं। इमीडिएट तौर पर मेरा मानना है कि 11,750 का एक स्तर है जो हम नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में देख पाएंगे, और उसके बाद अगर दाम बढ़ते हैं तो काफ़ी जल्द, यानी 3 से 4 हफ्ते का अगर हम व्यू लें तो लगभग 12,200 के स्तर हमें दोबारा देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं ग्वार सीड में भी हमने देखा कि निचले स्तरों से निवेश मांग जो है उभर कर देखने मिली है। 5,750 के करीब के लोज थे और 6,200 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि ये जो रिलीफ रैली है या फ्रेश बाइंग भी आप कह सकते हैं, वो 6,450 तक प्राइसेस को लेके जाएंगी, यानी अगले हफ्ते में तेज़ी के रुख की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो 6,400 से 6,450 का एक लेवल लिए जा सकते हैं, और अगर ये बाइंग कंटिन्यू होती है जो मेरा मानना है कि होगी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में, तो हमें 6,600 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे। तो एक बड़ी करेक्शन के बाद जहाँ पर हमने लगभग पिछले एक महीने से करेक्शन आते हुए देखी है ग्वार गम और ग्वार सीड में, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये करेक्शन थमेगी और तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। वहीं अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख करें तो शॉर्ट टर्म में जो एक रिलीफ रैली की उम्मीद थी वो हमें दिखाई नहीं दी है। हल्दी में जो लोज थे वो नए लोज बनते हुए भी दिखे। हमने देखा कि 9,020 के भी नीचे प्राइजेस टिक कर जो क्लोज है वो 9,020 का दिया है पिछले हफ्ते में, और 8,600 तक के भी लोज देखे गए हैं। हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निवेश मांग यहां पर भी उभर के आई, और ऐसा लगता है कि अब ये करेक्शन हो चुकी है और अब प्राइजेस जो हैं वो निचले स्तरों से दोबारा ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट टर्म बेसिस 9,350 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे हल्दी में, और मीडियम टर्म बेसिस 9,650 से 9,700 तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी करंट लेवल से करीबन 7 से 8 फीसदी की तेज़ी हमें हल्दी में दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल जो बाइंग है वो करके चलना एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। वहीं पर धनिया में अगर हम देखें तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक दायरे का कारोबार देखने मिला। क्लोजिंग जो थी वो 10,950 के आसपास आई है अप्रैल वायदा की, और हमने निचले स्तरों के करीब 10,600 के लोज देखे हैं। वहाँ से उभर कर बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया है, और ओवरऑल जो रुझान है लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है वो अब भी इंटैक्ट है, यानी अब भी तेज़ी की अच्छी गुंजाइश है। तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि हम दायरे का कारोबार देखें जहाँ पर जो प्राइस है वो 10,800 से लेकर 11,250 के बीच ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म जो टारगेट है वो करीबन 11,700 के आ रहे हैं। तो जिन्हें एक्यूमुलेट करना है वो फ़िलहाल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो डाउनसाइड दिखता है वो लिमिटेड लगता है धनिया में, और अपसाइड जो है वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पर अगर हम रुक करें जीरे का, तो जीरे में भी हमने एक एक्सटेंडेड करेक्शन आते हुए देखी है। हालांकि मुझे पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि करेक्शन हो चुकी है और यहां से जो प्राइजेज हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे, लेकिन एक और हफ्ते की हमने गिरावट देखी है प्राइजेज में। लेकिन जो कारोबारी हफ्ते का जो क्लोज था वहाँ पर हमने प्राइजेस को पिछले 2 या 3 सेशन में निचले स्तरों से उभरते हुए देखा, और क्लोजिंग बेसिस करीबन 21,100 की क्लोजिंग दी है, जबकि लोज देखे गए थे हमने 20,750 के करीब। तो एक डिसेंट इनफ पुलबैक हमें देखने मिला है, और काफ़ी बढ़िया करेक्शन भी हमने देखी है। टॉप लेवल से 22,800 के हाई देखे गए थे, वहाँ से 20,750 के लोज हैं, यानी करीबन 10 फीसदी की करेक्शन आ चुकी है।
अब मेरा मानना है कि कुछ समय तक एक साइडवेज सा कारोबार होता हो सकता है जहाँ पर जो रेंज है वो लगभग इमीडिएट तौर पर 20,300 से लेकर अपसाइड में 21,800 तक रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि का अगर हम रुझान लें तो अब भी ऊपर की तरफ रहेगा। और जो 23,500 से 24,000 के व्यूज़ मैंने पहले भी शेयर किए थे वो अब भी इंटैक्ट रहेंगे, और अपसाइड में हमें ये जो टारगेट है हो सकता है आने वाले 3 से 4 हफ्ते में देखने मिल जाएं। तो फिलहाल जो भी डिप आती है या एक कंसोलिडेटिव फेज जिसे हम कहते हैं वो देखने मिलता है तो बाइंग जो है वो दोबारा इनिशिएट की जा सकती है, करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है। अगर 20,300 तक प्राइस फिसलती भी है तो वहाँ और ऐड किया जा सकता है। जो इमीडिएट टारगेट है वो 22,300 का, और जो पोजिशनल टारगेट है वो करीबन 23,700 से 800 का लिया जा सकता है, यानी 24,000 के काफ़ी करीब जो है गोदाम जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी तेज़ी बरकरार रही, 7,900 के करीब की क्लोजिंग हमने देखी है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो अब भी होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 8,300 तक ये दाम जा सकते हैं और एक्सट्रीम केस में 9,000 तक के लेवल भी हमें देखने मिलेंगे। वहीं कैस्टर सीड में हमने काफ़ी दायरे का कारोबार देखा पिछले हफ्ते भी, तो लगभग पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो दायरा है वो 7,450 से लेकर 7,150 का बना हुआ है अप्रैल वायदा में। ये रेंज बाउंड मूव कुछ और समय तक चलने की उम्मीद है, लेकिन जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ रहने की उम्मीद है, यानी जो रुख है वो ऊपर की तरफ रहने की उम्मीद ज़्यादा है। इस अक्यूमुलेशन का या इस रेंज बाउंड मूव का फ़ायदा उठाया जा सकता है और बाइंग करने के लिए, क्योंकि अपसाइड में मेरा मानना है कि 7,700 तक के स्तर हमें अगले मंथ के वायदा में देखने मिलेंगे, और एक्सट्रीम केस में हो सकता है ये जो तेज़ी है वो 8,100 तक भी एक्सटेंड हो सके, यानी करंट लेवल से करीबन 4% का एक इमीडिएट टारगेट होगा, जबकि मीडियम टर्म बेसिस यानी 1 से 1.5 महीने की अगर बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 8 से 9% की तेज़ी हमें और दिखाई दे सकती है कैस्टर सीड में करंट लेवल से। वहीं पर मेंथा ऑयल में हमने तेज़ी आते हुए देखा, तो पिछले हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन में ही हमने देखा कि लगभग 990 से बढ़कर 1,050 तक की रैली देखने मिली, हालांकि उसके बाद एक करेक्शन 1,010 तक दिखाई दी है। आने वाले समय में 1,010 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक तेज़ी की संभावना जारी रहेगी। 1,070 का नेक्स्ट एक टारगेट है जो मैं आने वाले 2 हफ्तों के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि देखने मिलेगा, तो करंट लेवल से करीबन 4% की और तेज़ी हमें मेंथा ऑयल में भी दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल के या फिर बिनोला खल की बात करें तो काफ़ी दायरे का कारोबार देखा गया है पिछले लगभग 2 महीनों से। हम देख रहे हैं कि जो दायरा है वो 3,400 से लेकर 3,000 का रहा है, लेकिन 2,900 का जो सपोर्ट है वो अब भी ब्रेक नहीं हुआ है, और मेरा मानना है कि जो इमीडिएट तौर पे 3,300 से 3,400 का दायरा है वो जल्द ही हमें निकलता हुआ दिखेगा, और अपसाइड में 3,550 का जो काफ़ी समय से एक टारगेट पेंडिंग है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हमें जल्दी आता हुआ दिखेगा। तो अब भी जो भी डिप आती है उस पर लीजिए, 3,090 से 3,080 का एक इमीडिएट सपोर्ट है वहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और अपसाइड में 3,300 और उसके बाद में लगभग 3,550 का जो पोजिशनल टारगेट है वो अब भी इंटैक्ट है, वो हासिल हो सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ जो है वहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।